हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पनीर कोकोनट लड्डू की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बहुत ही झटपट बनके घर पर तैयार होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको बनाने के लगने वाले इंग्रेडिएंट। मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर, 1 टीस्पून केसर इलायची का सिरप, 1/2 कप लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, 1 टीस्पून कटा हुआ पिस्ता और 1/2 कप लिया है कंडेंस मिल्क। सबसे पहले हम जो पनीर लिया है हमने उसे ग्रेट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ हाथों की सहायता से इसको थोड़ा सा अगर मसलेंगे तो भी ये काफ़ी बारीक टुकड़ों में तैयार हो जाता है। तो मैंने इसे पूरी तरीके से ग्रेट कर लिया है और अब हम हमारे लड्डू बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखेंगे और उसके अंदर हमने जो पनीर ग्रेट करके रखा था वो ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हम हिला लेते हैं और इसी के साथ में ही इसके अंदर ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ये होममेड है, मैंने इसकी रेसिपी कुछ दिनों पहले आपके साथ शेयर की है, अगर आपने ना देखी हो तो आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर के साथ में 200 ग्राम कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है काफ़ी पतला है, इसको हमें गाढ़ा करना है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर ही सेकते रहेंगे ताकि हमारा बैटर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा बैटर गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ हम केसर और इलायची का सिरप ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ इलायची पाउडर यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर सिर्फ केसर की स्ट्रिप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए इसमें केसर इलायची का सिरप यूज़ करती हूँ। तो आपको मैंने इसकी भी रेसिपी शेयर की हुई है किसी वीडियो के अंदर, आप वो देख सकते हैं। इसे अब हम और गाढ़ा करेंगे। आप अगर इसे लड्डू बना रहे हैं इसलिए मैंने इसके अंदर कोकोनट का यूज़ किया है, अगर आप इसे बर्फ़ी बनाना चाहें तो आप कोकोनट को बिल्कुल भी मत डालिए। और इसके पहले वाला जो स्टेज थी वहीं आप गैस को बंद कर सकते हैं और एक ट्रे के अंदर थोड़ा सा घी से ग्रीस कीजिए और आप वहाँ पर बर्फ़ी के लिए उसे जमा दीजिए। पर हम लड्डू बना रहे हैं इसलिए मैंने इसके अंदर कोकोनट डाला है और ये अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे और अब इस बैटर को हम ठंडा होने देंगे। तो हमारा ये मिश्रण पूरा ठंडा हो चुका है, लड्डू बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आपको जिस साइज़ के बनाने हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसका जो मिश्रण है वो हाथों में लीजिए और थोड़ा सा इसे प्रेस कीजिए, आपका लड्डू का शेप बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही झटपट बनने वाली ये लड्डू हैं, आप देख सकते हैं किसी भी ओकेज़न पर, किसी गेस्ट के आने पर या किसी भी फेस्टिवल के टाइम पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे हो या बड़े बहुत इंजॉय करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको पिस्ता से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा पिस्ता आप इसे बीच में भी ऐड कर सकते थे, मैंने इसमें नहीं डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते थे इसमें। और यहाँ अब इसको हम पिस्ता से गार्निश कर रहे हैं, आप काजू या बादाम से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बनके तैयार हुए हैं। आपको ये लड्डू कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।